हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिटी ऑफ नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स की। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, तो इसलिए देख लीजिए कि जो सेल के अंदर पाए जाते हैं जिसमें कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस कैरीड होती है, वो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हमारे सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। जैसे कि आप देखिए, हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कईयों हमारी केमिकल रिएक्शंस आकर होती हैं, बट दे डू नॉट इंटरफियर ईच अदर, मगर वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। टू कैरी आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन एफिशिएंटली, द सेल हैज सम मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट। इन्हीं सारी केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से करने के लिए सेल के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म में कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिनको सेल ऑर्गेनेली के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इन और ये जो ऑर्गेनेली है, देखिए, सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर बाउंड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन। कुछ ऐसी ऑर्गेनेल्स होती हैं जो डबल लेयर मेम्ब्रेन से बनी होती हैं, जैसे कि एग्जांपल है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कुछ होती हैं जो सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और गॉल्गी एपरेटस। जबकि कुछ ऑर्गेनेल्स होती हैं जो हमारी बिना किसी मतलब उसमें क्या होता है, कोई भी मेम्ब्रेन सराउंड नहीं करती हैं, जैसे कि राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ईच ऑर्गेनेल हैज डिफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हर ऑर्गेनेल का अपना एक अलग शेप, अलग स्ट्रक्चर और एक अलग फंक्शन होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए कुछ ऑर्गेनेल्स होती हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। चलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, जैसे द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल। ठीक है, किसको कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। गॉल्गी एपरेटस क्या होते हैं, डिलीवरी सिस्टम ऑफ सेल कहलाते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं, द किचन ऑफ ए प्लांट सेल। जबकि लाइसोसोम क्या होते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।